लुधियाना जीआरपी पुलिस ने पिछले दिनों लुधियाना रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से चेकिंग के दौरान आरोपी शेख हैदर अली वासी पश्चिम बंगाल को 500 ग्राम अफीम सहित काबू किया था। थाना मुखी जीआरपी इंद्रजीत सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि उसने ये नशे की सप्लाई गुरदेव सिंह वासी निहाल सिंह वाला जिला मोगा को देनी थी, जिसको जीआरपी थाना के एएसआई जीवन सिंह ने रेड कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। रेलवे श्री रोहित चौधरी जी के दिशा निर्देश अनुसार मिति 2/3/18 में ऐसे जीवन सिंह जी चेकिंग कर रहा है, दौराने चेकिंग शेख हैदर अली जो पश्चिम बंगाल का रहने वाला इन चेक किया, किलो अद्धा किलो अफीम बरामद हुई। पूछगिछ करने पता लगे कि इस बंदे ने अफीम है एक तीर्थ सिंह नाम का व्यक्ति है जो जिला मोगे का रहने वाला, इन सप्लाई करनी उस भी इस केस गिरफ्तार कर लिया गया। इन्होंने खिलाफ मुकदमा नंबर 57 नीति 2/3/18 अंडर सैक्शन 18/29/85 एनडी के तहत दर्ज रजिस्टर करके अजे पूछगिछ की जा रही है कि यह कितों माल लेके आया सी, होर इस धंधे के शामिल ने। पश्चिम बंगाल का रहने वाला तीर्थ जो शेख हैदर अली है पश्चिम बंगाल का रहने वाला, तीर्थ सिंह मोगे जिले का रहने वाला, ठीक है जी। इस काम काफी समय तो पे हुए। लुधियाना से जागृति लहर के लिए सुरेंद्र अरोड़ा के साथ कुलबीर राही की रिपोर्ट।